हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। वेलकम बैक टू स्टार्स गेमिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त स्टार। दोस्तों आज मैं फिर से खेलने वाला हूं यूरो ट्रक सिमुलेटर 2। इसकी डिमांड काफ़ी आ रही है और लोग कह रहे हैं भाई कनाडा वाला ट्रक दिखाओ, तो आगे अभी अपना कनाडा का ट्रक लो भाई चलते हैं। भाई अगर सबसे ऊपर देखो तो ऊपर आ रही है मेरी जानकारी, मेरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैं ड्राइवर का नाम, रैंकिंग और इसके अलावा मेरा ट्रक नज़र आ रहा है। ट्रक मेरे पास वॉल्वो का है और मैंने इसको चला लिया है 5871 किलोमीटर, बाप रे। और मेरे ट्रक के पीछे लगा हुआ है एक, मैंने लिया था पिछली बार ट्रेलर 10XL का, तो अभी मैं इसको वापस कर देता हूँ जल्दी से और मैं आपको दिखाता हूँ आज एक नई जानकारी जो शायद किसी ने आपको बताई नहीं होगी। तो चलते हैं ट्रेलर मैनेजर के अंदर और मेरे पास एक है अभी फेमन विल 10X, इसको कर देता हूँ सेल। तो मेरे पास अभी कोई ट्रेलर नहीं है। तो एक होता है व्हीकल ब्राउज़र, तो व्हीकल ब्राउज़र अगर आपको नहीं मिलता बाई चांस, अगर आपका गेम का वर्जन पुराना है तो अबाउट लिखा होता है, अबाउट के अंदर ये आपको लिंक मिल जाएगा इसका। तो ये व्हीकल ब्राउज़र के अंदर आप ट्रक ब्राउज कर सकते हो और ट्रक ब्राउज के अंदर आप देख सकते हो कौन कौन से ट्रक हैं, ये सारे आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। ये स्कैनिंग हो गया, ये ट्रक, कोई भी ट्रक आपको ब्राउज करना है यानी कि देखना है तो इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस गेम के अंदर जो जो ट्रक दे रखे हैं वो सारे ट्रक आ जाएंगे, ठीक है। और बॉडी यहाँ से काफ़ी कुछ है, तो हमें तो चाहिए भाई ट्रेलर। हमने ट्रेलर देखना है कि हमारे पास जो ट्रेलर है उसके अंदर क्या क्या माल आ सकता है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी वाटरमेलन। तो ये देखो, ये एक ट्रेलर है, तो ट्रेलर को यहाँ से जाएंगे ऊपर ट्रेलर मॉडल। तो ट्रेलर मॉडल जो ये हैं, ये तो हैं स्टैंडर्ड वाले जो गेम के अंदर हैं। जो मैंने मोड लगाया है वो मोड आपको दिखाता हूँ। ये आई डेनिस का है ट्रेलर। इसके अंदर क्या क्या सामान आ सकता है, सॉरी यार ठीक आ गई। तो ये ट्रेलर आई डेनिस का, इसके अंदर देखो आप वाटरमेलन आ सकता है, इसके अंदर गाय भी आ सकती है भाई, देखो इसको घुमा के देख सकते हो ऐसे। इसके अंदर काओ भी आ सकती हैं, मतलब हम काओ भी छोड़ सकते हैं। वाटरमेलन, काओ, टमाटो, केले, बनाना, देखो लेमन, वेजिटेबल, सब्जियां। तो ये ट्रेलर लेने से पहले ये देखो, ये भाई बोरियां आ गई वेजिटेबल, आलू प्याज भाई बोरियां भरी हुई हैं, मंडी लेके जाना है इनको, माल को बेच के आना देखो। तो यहाँ से बदलते हैं इसको ट्रेलर का मॉडल और अब यहाँ पर आ गया ट्रेलर मॉडल, ठीक है। ये फेमन विल जो मैंने लिया था पिछली बार 10XL का, इसके ऊपर कौन कौन सा माल आ सकता है, ये दूसरा है, मतलब फेमन विल का ही दूसरा मॉडल है। तो हम यहाँ से शायद चेंज कर सकते हैं इसको कार्गो टाइप और देखते हैं। हाँ, फेमन विल के अंदर 3 हैं, तो मैंने पिछली बार लिया था ये वाला, इसके ऊपर मैंने छोड़ा था बिल बोर्ड, इसके ऊपर आ सकता है डायनासोर का स्टैचू, बाप भाई वाह। तो ये है स्मैमट मैंने कि हाथी स्टैचू, ये हाथी जंगली हाथी होता भाई ये। तो मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया ट्रेनिंग प्लेन, आपने पिछली बार देखा होगा। तो इसके अंदर हम, मतलब इस ट्रेलर के साथ हम ये सामान छोड़ सकते हैं, गिफ्ट पैक, ये हाँ गिफ्ट पैक। तो पिछली बार मुझे पता नहीं चल रहा था कि इस ट्रेलर के ऊपर हम क्या क्या माल छोड़ सकते हैं, तो अब मैं पूरा देख सकता हूँ कि इसके अंदर हम देखो मार्बल छोड़ सकते हैं और मार्बल के ब्लॉक, यानी कि वो मार्बल कटा हुआ है, पीस कटे हुए हैं, फर्निश करे हुए हैं। और मिलिट्री पार्ट, ये भी मैंने पिछली बार लिया था लेकिन मैंने छोड़ा नहीं था। और ये अम्ब्रेला, तो ये भी मिलिट्री पार्ट है, जब ये मिलिट्री के पार्ट ऊपर से छोड़ते हैं तो वो अम्ब्रेला खुल जाता है, ताकि वो सामान धीरे धीरे करके भाई नीचे आ जाता है, ताकि वो सामान ख़राब ना हो। तो ऐसे ही इसके अंदर एक और भी ट्रेलर है, ये वाला फेमन विल के अंदर, और इसके अंदर भी देखो ऑयल टैंक और ये ओल्ड क्रेन, पुरानी क्रेन लकड़ी की भाई, ऑयल टैंक छोड़ सकते हैं इसमें। और इसके अंदर भाई ये पीस, अच्छा शांति का मोनूमेंट है, यानी कि शांति की मूर्ति है कि शांति बनाओ। तो ये आ गया फिर अपना ममोट स्टैचू, उसकी मूर्ति है वो भाई। कार्गो बोब, हेलीकॉप्टर भी छोड़ सकते हैं इसमें, ओ भाई देखो इसके अंदर ये एक लिबरर का, मतलब क्रेन का बहुत बड़ा पार्ट है। और कैटरपिलर, और ये इसके अंदर कैटरपिलर का भाई ये अपना ट्रेलर छोड़ सकते हैं इसके अंदर। ये तो किश्ती हो भाई, इतनी बड़ी किश्ती भी छोड़ सकते हैं इसके अंदर, तो ये भी मिलिट्री की है। और ये है भाई अटार्टक स्टैचू, तो ये कोई योद्धा हैं, उनकी मूर्ति है। तो जो मैंने ये मेला अभी तक नहीं लिया, इसके अंदर भी काफ़ी सारा सामान छोड़, इसके अंदर पुल छोड़ सकते हैं, किश्ती छोड़ सकते हैं, ऐसे ही मतलब आप करके इसके अंदर करके आप कोई भी देख सकते हो। तो मैंने जो लिए हैं, अब ये देखो गोल्ड होपर, तो ठीक है ना, गोल्ड होपर का मैंने लिया था, इसके अंदर हम क्या छोड़ सकते हैं,
इसके अंदर ये सामान हम छोड़ सकते हैं, एसिड छोड़ सकते हैं, आर्नेस आर्सेनिक क्लोरिन ओ बाई क्लोरिन, तो ये हो गया केमिकल छोड़ने वाला, केमिकल छोड़ सकते हैं इसके ऊपर। तो गोल्ड ऑफर के बाद और भी हैं, कैसर बोर है, इसके ऊपर काफ़ी सामान छोड़ सकते हैं, मिलिट्री का पार्ट छोड़ सकते हैं, सोना, ये रेलगाड़ी के अंदर लगने वाला पीस है क्या, शायद जहाज का है। तो कंटेनर ऑफिस है, वितास है, बहुत कुछ है यार, ये देखो वितास, वितास पावर इंजन भाई, ये बहुत ही बड़ा इंजन छोड़ सकते हैं। तो चलो चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि यही वाला ले लूँ, कहूँ कहाँ गया भाई, फेमरविल। तो फेमरविल के अंदर भी तीन है, यहाँ पर जाएंगे तो ये वाला भी है, ये वाला भी, तो आज मैं लेता हूँ ये वाला, इसका नाम है 8XL वाला, 8XL वाले को लेके देखते हैं इसके ऊपर क्या माल छोड़ेंगे। तो ये होता है व्हीकल ब्राउजर, और इस गेम के अंदर जितने भी ट्रेलर हैं आपको देखने हैं तो ट्रेलर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ट्रेलर लिस्टिंग, तो इसको आगे पीछे कर लेना ऐसे। तो ये नॉर्मल वाले ट्रेलर हैं जो मैंने पहले लिए थे, और ये मतलब ये माल आपको इस गेम के अंदर सारे ट्रेलर देखने को मिलेंगे कि हम क्या क्या छोड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट ऊपर से जाके यहाँ पर भी कर सकते हो सेटिंग, और यहाँ पर जाके भी देख सकते हो कौन सा छोड़ना है आपको। तो लॉग छोड़नी है तो लॉग वाला ये हो गया लॉग ट्रेलर, इस पर लोहे के पाइप भी छोड़ सकते हो, और इसके ऊपर लॉग भी छोड़ सकते हो, इसके ऊपर ये लॉग बड़ी वाली भी छोड़ सकते हो। तो ये ट्रेलर का नाम आपको देखना पड़ेगा, ट्रेलर कौन सा है और इस पर क्या क्या आएगा। तो मतलब ट्रेलर हम छोड़ सकते हैं, पाइप छोड़ सकते हैं, और वुडन बीम ओ भाई, यानी कि वुडन प्लैंक। तो ये प्लैंक हो गए कटे हुए, काफ़ी लंबे लंबे हैं भाई, एक ही पीस है। तो ये ट्रेलर लिस्टिंग है, इसमें ट्रक की भी है यार, आपको ट्रक भी दिखा, ट्रक का मैंने शायद आपको दिखा दिया, चलो ओके। अब चलते हैं ट्रेलर मैनेजर के अंदर, नहीं ट्रेलर परचेज के अंदर, ट्रेलर परचेज करते हैं, और वो था इसका ये सॉरी फेमनविल, फेमनविल का 8XL का। तो इसके अंदर अभी 8 ही पीस हैं, ये आज मैं लेने वाला हूँ 8 वाला, पिछली बार मैं ले था 10 वाला, तो ये भी 10XL का है, इसके अंदर भी काफ़ी सामान छोड़ सकते हैं। चलो आज लेते हैं 8XL वाला, इसको करते हैं परचेज। और इसको मेरा ट्रक अभी कहाँ पर है, मेरा ट्रक डोवर में, तो इसको इस बार लेते हैं हैनोवर में, ठीक है इसको लेते हैं ओके। तो अपना ट्रेलर आ गया, अब मैं चलता हूँ हैनोवर में, अब मेरा ट्रक मुझे लेके जाना पड़ेगा, अब चलना पड़ेगा मेरे को गैराज मैनेजर के अंदर। तो गैराज मैनेजर किधर गया, गैराज 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 भाई, इसके अंदर बहुत सारे हैं, ट्रक डीलर, ट्रक मैनेजर, गैराज मैनेजर, ये रहा यार, सामने होता है लेकिन नज़र नहीं आता क्योंकि बहुत सारे आइकन है यार, बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो हमें जाना है हैनोवर, तो डोवर कैसल हैनोवर, तो यहाँ पर जाने के लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा ओके। तो चलते हैं करते हैं ट्रैवल वहाँ पे, लो भाई पहुँच गए फटाफट से एक चुटकी में, और आते आते भाई रात हो गई, एक बार मैं सो जाता हूँ जरा, और ये इसके बीकन भाई जलते रहते हैं जब देखो। तो आगे भी अपना कराटा था ट्रक, इसको यहाँ खड़ा करते हैं और भाई सो जाते हैं फटाफट, क्योंकि यार सुबह हो जाएगी तो अच्छा सा लगेगा। लो भाई बज गए सुबह के 6:30, निकालते हैं इसको, चल भाई आजा। तो ये होता है ट्रेलर ब्राउज़र, ऐसे आप देख सकते हो किस ट्रेलर के ऊपर कौन सा माल आएगा, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो ले चलते हैं इसको, पेट्रोल अभी बहुत है, पेट्रोल डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेलर मेरा अभी नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो मुझे ट्रेलर को यूज़ करना पड़ेगा। अब चलते हैं ट्रेलर मैनेजर के अंदर, ट्रेलर मैनेजर के अंदर जाकर इसके ऊपर करके क्लिक, इसको कर देंगे यूज़, यस ऐसे बटन दबा देंगे, तो अपना ट्रेलर हमारे ट्रक के पीछे आ चुका है। अब करते हैं वापस, तो देखते हैं बाहर से, लो भाई फर्स्ट क्लास अपना सामान आ चुका है, और चलते हैं इसको लेके कंपनी, एक बार देख लेते हैं मैप के अंदर। तो कंपनी भाई ये ट्रेडएक्स है, तो यहाँ पर स्कैनिया का, ये स्कैनिया का शोरूम है अच्छा, और ये ट्रेडएक्स है, यहीं पर चलते हैं ओके। चलो भाई निकालते हैं इसको, ये 8XL का है, इसके ऊपर देखते हैं कौन कौन सा माल छोड़ सकते, कोई अच्छा सा कोई माल मिलता है, मतलब कोई अच्छा सा मिले बड़ा सा तो छोड़ेंगे। पीछे भाई कोई नहीं आ रहा, चलो निकालते हैं इसको जल्दी, इंडिकेटर लगा देंगे भाई, बढ़िया सब मोड़ेंगे, चल भाई आ जा। लो भाई ट्रक जानता छलांगा मारता कनाडा, तो आ गया सीधे ही जर्मनी हैनोवर। अब काट देंगे इसको भाई, बाहर देख लेंगे एक बार, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, ये देखो कितने समझदार ड्राइवर हैं, देखो वो खड़ा हो गया, उसको पता है कि इतना लंबा ट्रेलर आ रहा है, तो भाई मैं ज़रा रुक जाऊँ,
लेकिन यहाँ पर ओह भाई यहाँ तो कहता ठहर जा भी तुझे बताता हूँ। आगे भाई कंपनी आ गई, लो कंपनी आ गई भाई, पीछे कोई नहीं है, मोड़ लेते हैं यहाँ से। यही है ट्रेडॉक्स, ट्रेडॉक्स में चलते हैं, देखते हैं कुछ बड़ा सा सामान मिल जाएगा तो भाई मौज हो जाएगी आज अपनी, कुछ पैसे मिल जाएंगे यार, जनानी खुश हो जाएगी क्योंकि कुछ कमा के ले आया आदमी। तो चलते हैं फ्रेट मार्केट के अंदर। तो ये तो इनके खुद के ट्रेलर हैं, हमें ये नहीं छोड़ने, हमें छोड़ने जॉब मार्केट के अंदर। तो फिर दबाते हैं एंटर। तो कार्गो, कार्गो मार्केट सॉरी। तो ये देखो, ये अब नज़र नहीं आ रहा, अब ये नज़र नहीं आ रहा है, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो ये आर्ट, ये अटैक, ये है अटाटर्क, अटाटर्क स्टैचू, वो जो योद्धा की फुट मूर्ति थी। और ये है कॉन्स्टेंटा, अब ये पता नहीं यार क्या है, अपाची हेलीकॉप्टर। ये देखो ये हेलीकॉप्टर, वो कार्गो बोप, और ये हेलीकॉप्टर हो गया नॉर्मल। ये अपाची हेलीकॉप्टर छोड़ना है 1300 किलोमीटर, भाई बहुत लंबा है। एक मिनट और देखता हूँ। तो ये हेलीकॉप्टर हो गया, ये हो गई मैमूट, वो हाथी की मूर्ति छोड़नी है। तो ये भी छोड़नी है, दोनों सेम है, ये छोड़नी है, पास में ही है। ये है भाई 493 किलोमीटर। और ये फिर अच्छा, तीन मूर्ति छोड़नी हाथी की, ओल्ड क्रेन, ओल्ड क्रेन। तो यार ये कार्गो का हेलीकॉप्टर है अपाची, लेकिन भाई ये बहुत बड़ा है, बहुत दूर है। तो क्या किया जाए, हाथी की मूर्ति छोड़े आज? तो चलो हाथी, मेरे साथी को लेकर चलते हैं आज, क्योंकि यार वो बहुत दूर मिल रही है, इसको टेक करते हैं, आई मीन जॉब को लेते हैं। और अब मुझको अपना ट्रक लगाना पड़ेगा वहाँ पर, वहाँ पे सामने। ओ भाई बहुत ही कसूती जगह है, आई मीन बहुत ही फंसा के खड़ा करा हुआ है इन्होंने। ठहर जा भाई, आराम से मोड़ेंगे एकदम, बस 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 काट देंगे भाई बिल्कुल सीधा सा वापस। ओहो भाई, ओ अटक गया, अटक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा भाई, यार तेज चला गया, बाहर ही लाना पड़ेगा। बस 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 चल भाई, काट इसको इधर को, बस कर दे सीधा, ले आ, ले आ, ले पीछे और मोड़ दे भाई, कितना लंबा ट्रेलर है देखो। चलो लगाते हैं इसको। ओ भाई भाई, ट्रेलर बहुत हल्का है, जल्दी जल्दी कट रहा, जल्दी कटिंग जल्दी हो रही। रुक जा सीधा कर, बस बस, बस। एक मिनट भाई, ये बहुत ट्रक बहुत नाजुक, इसका स्टेयरिंग मैंने आपको कई बार बताया है, हर बार ही बताता हूँ, ऐसे तो बहुत नाजुक होता है, बहुत आराम से काटना पड़ता है इसको, बहुत ही प्यार से। हाँ चल 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 चल, सही है सही है सही है सही है सही है, चल चल चल, ओके भाई लो, इंजन कर देंगे बंद, एंटर मार देंगे और माल अपना लोड हो जाएगा, हाथी की मूर्ति। अब कौन सी हाथी की मूर्ति आएगी देखते हैं, हरी वाली आएगी या काली वाली आएगी? तो लो भाई, काली वाली आई है, तो काली मूर्ति को छोड़ना है भाई हमें हाथी को। चल भाई हाथी मेरे साथ, सींग देखो। तो ये है जंगली हाथी, इसको बोलते हैं मैमूट, मैमूट, मैमूट लिखा हुआ, मैमूट। ओके भाई निकालते हैं अब इसको, कोई नहीं आ रहा ट्रैफिक, चलो आ जा भाई, आ जा आ जा। और रुक 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 भाई, गलत जा रहा हूँ, गलत जा उधर, हमेशा मुझे यही होता है कि इधर को मुड़ना है भाई, वापस कर भाई, इधर को नहीं मुड़ना था, इधर को मुड़ना। चलो भाई काटते हैं इसको, सुबह सुबह का टाइम है भाई, अभी 6:30 हुआ। चल ये ट्रक थोड़ा स्लो चलते हैं, ये वो फार्मिंग सिमेटर जैसे नहीं है भाई, फटाफट चल, फटाफट चलने वाले नहीं है ये, स्लो चलते हैं। अब चलाते भी अंदर से बढ़िया से, ड्राइवर अच्छे से ड्राइवर की तरह चलाएंगे भाई आज, लाल बत्ती की तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें, अपन के भाई, अपन की पुलिस में जान पहचान बहुत ज़्यादा, तो लाल बत्ती भी हमें कोई नहीं पकड़ता। और देखो सूर्य देवता को नमस्कार है भाई, देखो सूर्य देवता निकल रहे हैं वहाँ से, और किरणें देखो कितनी प्यारी मेरी चेहरे के ऊपर पड़ रही हैं, चमक रहा है ना मेरा मुँह एकदम। तो इसको छोड़ना भाई 500 किलोमीटर पे। तो ये हो गया भाई व्हीकल ब्राउज़र, और बाकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है सारी, और इसको अभी मैं बंद कर लेता हूँ। ओ यार सैंडविच मेरा रखा हुआ, भूख लग रही है बहुत तेज, निकालेंगे भाई फटाफट इसको, और टक्कर नहीं मारेंगे भाई आज, ठोकेंगे नहीं किसी को, हट जाओ ओए। ओ देख देनी कनाडा का ट्रक आ गया, भागो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, अबे भाग लो भाई भाग लो जल्दी, देख क्या स्पीड से भाग रहे हैं भाई, लाइट कर लेते हैं, बंद नहीं आ रहा, अभी लाइट की जरूरत है। ओ भाई सिंगल रोड आ गया यार, मुझे लगा था डबल रोड है। और यहाँ पर देखो भाई, मेरा कप मग कॉफ़ी का और मेरा छोटा सा सैंपल, आई मीन छोटा सा मॉडल ट्रक का, लाल रंग का हिल रहा है हल्का हल्का सा। ओ भाई ओ ग्राफिक यार, ओह भाई इतने ज़बरदस्त ग्राफिक है यार, मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा लगता है बस आंखों के सामने चल रहा है बिल्कुल।
सब कुछ। चलो भाई निकल तो आए हम, अब लगाते हैं जरा बाहर से इसका नज़ारा थोड़ा सा। ये हो गया अपना हाथी मेरा साथी, ये मैं मौत। आज हम छोड़ रहे हैं इसको मूर्ति को, इसको लगाएंगे किसी चौराहे पे, फिट करेंगे कहीं पर तो लगाएंगे भाई इसको। वाह भाई क्या शानदार लगती है। चलो शानदार सुंदर हो गई, अब भगाते हैं अपने ट्रक को, स्पीड देखते हैं जरा कितनी हो गई। अभी हो रही है भाई 80 की। दरअसल क्या है कि मैं चलाता हूँ 150 पे और मीटर है 120 पे, तो मैं मीटर को फाड़ के रख देता हूँ बिल्कुल ही, क्योंकि यार इसके अंदर मीटर ना 200 की स्पीड वाले नहीं है, इनको अपडेट करने चाहिए मीटर। मीटर चाहिए हमें 200 वाले जो कि पूरी स्पीड दिखाएं, लेकिन स्पीड आती नहीं, तो इसके लिए मुझे भाई ये लगाना पड़ता है, इससे मुझे स्पीड का पता चल जाता है। तो मैं क्रूज मोड कर देता हूँ ऑन सी से। ओ एक मिनट, अच्छा ओके अच्छा, तो मैंने इससे सी का बटन बदल दिया है, इस पर क्रूज मोड का बटन मुझे कुछ और मैंने लगाया हुआ, तो वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। और अभी 7:15 हो गए सुबह, धूप निकल आई है। ओ भाई क्रेन वाले रुक जा, तो इसके अंदर देख लेंगे, पीछे क्रेन वाला दूर है। पर भाई सुबह सुबह का टाइम देखो क्या बादल वादल निकल रहे हैं यार, ओए होए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। और ये देखो अपना ट्रक जा रहा है कनाडा का। ओ भाई कितने जा रहा है, ओ भाई 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 नज़ारे के चक्कर में काम खराब हो जाता है। ये देखो नज़ारे के चक्कर में, तो ये हाथी के ऊपर मतलब बाल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, मतलब ये हाथी जो होते हैं अपने नॉर्मल, वो उसके ऊपर बाल नहीं होते, वो प्लेन होता है, लेकिन ये जंगली हाथी है, इसकी बेचारे की कोई सफाई नहीं करता, जंगल में रहता है बहुत अंदर। तो ये जंगली हाथी मतलब पहाड़ों वाला है, एक जो हर जिसके ऊपर हरी घास है वो हरे जंगल में रहता है, तो उसके ऊपर वो पत्ते गिरे हुए हैं हरे, मतलब ऐसे तो वो हरा नहीं होता हाथी, हाथी तो थोड़ा सा ग्रे कलर का ही होता है, थोड़ा डार्क काले से रंग का, लेकिन ये दूसरा बना रखा। तो ये मूर्ति छोड़नी है इनको, मतलब सजावट के लिए लगानी है कहीं पर। चल हट जाओ ये गड्डी वाले, न भाई नहीं हट रहा। ओ देखो तो मैं पागल आदमी, मुझे भी मरवाता अभी। ओ भाई जब भाई ने एकदम गाड़ी मोड़ दी, कोई इंडिकेटर नहीं दिया, अभी ठुक जाता मुझे भी मरवा के रख देता भाई, मैं बच गया अभी, नहीं तो मेरा ट्रक जाली के ऊपर चढ़ जाता, फिर इसका मुँह खुल जाता जैसे पिछली बार खुल गया था। ओ भाई तो ऐसे ऐसे बंदे भी हैं। तो जब वो भाई स्पीड देखो 152 की हो गई, मैंने तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 100 पे चल रहा हूँ मैं। यार क्या है ना, इतनी तेज़ चलाने की आदत पड़ गई है कि अब 200 की स्पीड भी ऐसे लगता है जैसे 50 पे जा रहा हूँ। अब आदत ही ऐसी पड़ चुकी है, ड्राइवर हम हैवी ड्राइवर हो चुके हैं बहुत तगड़े भाई। 160 की स्पीड, पुलिस वाले को छोड़ दिया पीछे, पुलिस वाला भाई पीछे ना पड़ जाए कहीं पहुँच जाओ। ओए ओ यार ये सड़क पर पता नहीं चलते रहते हैं, मस्ती मारते रहते हैं, इनको समझ नहीं आता कि पीछे से इंडिया का ड्राइवर आ रहा है इतना सॉलिड ट्रक लेके कनाडा का, तो भाई साइड दे दें, मेरा बस चले तो मैं पूरा एक रोड अपने हाईवे बनवा लूँ भाई, जिसके ऊपर सिर्फ मेरा ट्रक चलेगा, कोई और नहीं चलेगा, सारे बाहर हो जाएंगे। अब ये देखो अब ये इसको देखते हैं किधर को जाएगा। ओए ये देखो बच गया भाई, अभी बंदे का कचूमर गाड़ी का कचरा हो जाना था भाई, मैंने सही टाइम पे ब्रेक मार ली, दो बंदों की ज़िंदगी मैंने बचा दी। मुझे लगा था कि ये शायद ना हटाए, लेकिन भाई ने इंडिकेटर दे के उस मतलब इंडिकेटर भी एंड पॉइंट पे देते हैं जब बिल्कुल नीचे आने वाला होता है। भाई क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, देख ले रहा पीछे हाथी आ रहा है, हाथी से तो बड़ा, हाथी से भी हैवी ट्रक है मेरा, तो इस मेरे ट्रक को ट्रेलर के अंदर इस हाथी से 10 गुना वजन होगा। अबे भाई एक ओबे आप इसको देखो है भाई, अजीब बात भी। और ये टनल आ गई, ये टनल बहुत धोखेबाज है, ये टनल एक ही है, ये दोनों रास्ते एक ही हैं, पिछली बार मैं ठुक गया था तो मुझे इस बार याद है, तो मतलब मैं उसी रोड पे वापस जा रहा हूँ। नहीं यार यहाँ से तो मैं कभी गया नहीं हूँ, पता नहीं, मतलब एक बार गया हूँ, हो सकता है ऐसे टनल और भी हों, क्योंकि यार बाहर के देशों में टनल बहुत सारी हैं, और हो सकता है मिलती जुलती उसकी कोई और बना दी हो। तो अभी तो पीछे कोई नहीं आ रहा, निकालते हैं इसको जल्दी से, हट भाई हट हट, तो सीधे ही भगाना अभी तो। देखो भाई कितने सारे ट्रक जा रहे हैं भाई, 1 2 3, तो व्हीकल ब्राउज करके आप देख लेना कि अब मुझे जैसे पता चल गया कि ये मम्मूत की स्टैचू है या किसकी है, हेलीकॉप्टर है, अपाची हेलीकॉप्टर है, तो यार वो छोड़ेंगे किसी दिन कार को, बोप को छोड़ेंगे बड़े वाले को, लेकिन भाई वो किलोमीटर 1500 किलोमीटर था, अगर मैं 1500 किलोमीटर जाऊँगा तो कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इतना लंबा नहीं खेलना हमें, छोटा छोटा खेलना, बस 500-600 किलोमीटर का बहुत है। तो अभी
स्पीड कितनी हो गई भाई, 150 की स्पीड बस। अबे यार भोगा ले भाई, और तेज कर, हट भाई हट। ओ छोटे ट्रक, ओ चिद्दी से ट्रक, हट जा। चिद्दू से ट्रक है, चिद्दी होंगी ना, चिद्दी कैंचे खेल दियो, कैंचे कैंचे में जो सबसे छोटा कैंचा होता है कहते चिद्दी। अगर आपने नहीं खेली तो आपको नहीं पता होगा, अगर आपने कंचे नहीं खेले भाई, हमने तो बचपन में बहुत खेले हैं। तो चिद्दी तो एक होता था लाल रंग का कैंचा मोटा, और काला होता था काला, तो काले को और लाल को रखते थे निशाने के लिए, ट्रक। तो भाई मैं अभी एक मिनट स्पीड नहीं छोड़ सकता। तो एक होता था छोटा, जो सबसे छोटे थे उसको बोलते चिद्दी, चिद्दियाँ ले आया। तो चिद्दी मतलब छोटा, चीची मतलब भी छोटा होता है, चीची उंगली मतलब चीची उंगली सबसे छोटी, तो ऐसी चिद्दी होता है, चिद्दी सबसे छोटा। चिद्दी पंजाबी जो बोलते हैं, चीची चीची भी ऐसे पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। तो चीची भैया है ना अपने गोविंदा, उनको चीची बोलते हैं क्योंकि वो अपने घर में सबसे छोटे हैं। जैसे मेरी बेटी नूर है, वो भी छोटी है, तो उसको चीची बोलेंगे, चीची बेटी। और चलो चीची बेटी, इधर मैं गल्ला सुना जाना। ओ आके ट्रक, ओ भाई मुझे लगा ट्रक मेरी तरफ क्यों आ रहा। ओए पीली गाड़ी साइड में हो, जाने दे। लो भाई खेत खुद आ गए हैं अपने साइड में, देखते हैं जरा बाहर एक मिनट। ओ यार खेत निकल गए। ओ भाई स्पीड बहुत हो रही है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही, एक मिनट रुक जाओ। ओए हो क्या पुल आया भाई, सॉलिड मज़ेदार। धुंध पड़ी हुई भाई आज, देखो धुंध पड़ रही है काफ़ी, और अपने बीकन शीकन सब ऑन है। और झंडे देखो कनाडा के, कितना चुंदे पे है भाई, इंडिया के झंडे भी लग सकते हैं इसके अंदर। एक भाई पूछ रहा था, तो झंडे किसी भी कंट्री के लगा सकते हो, इंडिया के लगा लो, कनाडा के लगा लो भाई, अपना अपना ट्रक जो कनाडा का है, अपना झंडे कनाडा के लाए। तो ओ यार एक, तो मैं कह रहा था कि आप स्किन भी लगानी पड़ेगी ना फिर मेरे को, ट्रक के ऊपर स्किन लगानी पड़ेगी हिंदुस्तान की। और नीचे देखो एक मेरा बंदा 474 यूरो का नुकसान करके पता नहीं कहाँ से आ गया। अबे तुम्हें कमाने के लिए रखा है भाई कि पैसे गंवाने के लिए रखा है? ऐसे ऐसे ड्राइवर हैं भाई, कमा के नहीं देते, नुकसान करवाते रहते मालिक का। तभी तो मैं घाटे में चल रहा हूँ यार, अभी तक मेरी कंपनी स्टार्ट हुई है और अभी तक कोई पैसा नहीं आया। हालांकि मेरे पास 995 मिलियन डॉलर तो है, लेकिन पहले 999 थे, लेकिन इन ड्राइवरों के चक्कर पे मेरे पैसे देखो कितने कम हो चुके हैं भाई। मेरे 4 मिलियन डॉलर, अभी 5 मिलियन कम है। अब मुझे 5 मिलियन और कमा के इसको 1000 मिलियन पूरा करना है। और ये देखो भाई यहाँ पे लगा हुआ है क्रेन के साथ, भाई क्रेन के साथ ये अच्छा लोग उठा रहा है भाई, लोग उठा रहा है, एग्जीक्यूटर लगा रहा है, एग्जीक्यूटर। ओ भाई ठुक गया भाई, सीसी चलाएंगे यार, ठोकेंगे नहीं। तो मैंने तो इसमें मोड लगा रखे हैं, वैसे तो मैं सोच रहा हूँ मोड हटा के खेलें यार, क्योंकि मोड के साथ मज़ा आता है, लेकिन कई बार नहीं भी आता, क्योंकि ओरिजिनल गेम का मज़ा अलग है भाई। जब ट्रक ठुकेगा, पेनल्टी होगी, तभी तो मज़ा आएगा। अब मैं चला रहा हूँ एकदम बेफिक्र होकर, मुझे कोई टेंशन नहीं है, जिसको मर्जी ठोकूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो भाई यहाँ से काट दूंगा मैं, क्योंकि इन्होंने तो रास्ता देना नहीं है, ये तो ढीठ बंदे हैं। ये चल पड़ते हैं रोड पे, और इनको पता नहीं है कि रेस का जो पैडल है वो थोड़ा और नीचे जाता है, ये थोड़ा सा दबा देते हैं बस, इनको लगता है बस हो गया काम। भाई वो बहुत नीचे जाता है, और फिर उसको थोड़ा छोड़ दो तो रेस देने का भी एक एक्सपीरियंस होता है, तरीका होता है। आप फुल रेस दो, फिर कम करो उसको, फिर बिल्कुल ज़रा सा दोगे ना तो भाई फुल स्पीड पे जाएगा। आपने चलाई होगी बाइक वाइक या गाड़ी तो आपको पता होगा, नहीं चलाई तो बाइक कैसे पता होगा, फिर नहीं पता होगा। चल हट जाओ ए, ओ साइड कर जल्दी। हाँ ठोक दूंगा यार, इन्हें समझ नहीं आती, मेरी भी स्पीड बर्बाद करवा दी। हट जा, साइड में रहियो, इधर मत आइयो, ओ इधर को मत आइयो भाई। यार मैं एकदम अभी तक मैंने कोई कट नहीं मारा, बिल्कुल भाई हाईवे पकड़ा हुआ मैंने, बिल्कुल दिल्ली से पंजाब हरियाणा से होता हूँ मैं, जा रहा हूँ अभी सोनीपत के अंदर। बैरियर पीछे पुलिस खड़ी थी, चेकिंग कर रही थी, लेकिन मेरे को नहीं रोका भाई, अपनी जान पहचान बहुत है, मैंने आपको पहले ही बताया। DCP ACP साहब अपने पास शाम को आते हैं, मिलते ही आते हैं। स्टार भाई क्या हाल चाल है, किसी ने कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना भाई, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे यूरोप में, और अब तो मैं अमेरिका भी पहुंच गया हूं। तो ओए भाई साइड में रहो। तो अमेरिका में भी अपनी जान पहचान हो चुकी है, अब हम अमेरिका के अंदर भी ट्रक चलाते हैं भाई, जल्दी चलाएंगे अमेरिका के अंदर भी ट्रक चलाएंगे, उसकी भी डिमांड आ रही है, चलाएंगे। पहले जरा मैं इस हाथी को सेट कर दूँ, इस हाथी को बच्चे को पता नहीं कहाँ पे सेट करना है, इन्होंने मूर्ति लगानी है, और काट दूंगा यहाँ से बढ़िया सा, देखो क्या कट आए, मेरी गर्दन भी टेढ़ी हो गई। तो मोड़ देते हैं अभी, ओ भाई सीधे जाना, चलो काटो सीधा। अभी तक मैंने यार एक भी मोड़ नहीं ली, टर्न नहीं लिया अभी तक, बिल्कुल
स्ट्रेट जा रहा ट्रक अपना फुल, और मुझे इसका क्रूज मोड ऑन करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा उसको, ताकि मेरा ट्रक अपने आप चलता रहे, मुझे बार बार रेस देने की जरूरत ना पड़े। तो स्टेयरिंग व्हील लेने की सोच रहा था मैं, लेकिन भाई बीच में आपको पता ही है अभी काफ़ी खर्चा हो गया, मम्मी बीमार हो गई थी, तो यार मैं सोच रहा था इस महीने ले लूँगा, लेकिन अभी मुश्किल हो गया, थोड़ा सा रुक देते हैं, अगले महीने देखेंगे। अब तो इतना तो अभी बजट नहीं है भाई। इनकम भाई $1530 आए हैं अभी ड्राइवर आर्थर आर। ओ भाई, मुड़ गया भाई, 150 की स्पीड पे मोड़ रहा हूँ ट्रक, देखो इतना गदर टर्न भाई, 154 पे काट दिए मैंने। ये स्टेयरिंग व्हील से भी मज़ा तो आएगा, लेकिन उसके लिए भी भाई कीबोर्ड और माउस तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, उसके लिए भी भाई दोनों चीज़ लगानी पड़ती हैं, स्टेयरिंग व्हील के साथ, सिर्फ स्टेयरिंग व्हील से काम नहीं चलता, तो उसके साथ मुझे ये भी सेटअप रखना पड़ेगा, तो जगह ही नहीं बचेगी भाई, ये टेबल ही छोटा सा है, छोटा सा ऑफिस है यार, छोटा सा स्टूडियो है, मिडिल क्लास का मिडिल स्टूडियो। तो जब बड़ा होगा कुछ, बड़ा स्टूडियो ले लेंगे यार, लो भाई आ गए, हम पहुंच भी गए, लो पहला कट आया भाई, यहाँ से मोड़ना है, बटन दबा देंगे, तो यहाँ से काट के ऐसे उधर को जाना, ओके अभी काट देते हैं यार, टेंशन की क्या बात है, ओ टेंशन नहीं भाई, आई एम हियर नो फियर। एक मिनट भाई, ओ भाई उधर लेके जाओ अपने मोबाइल शोबाइल, बंद करो इनको भाई, देख ले ट्रेलर भी पीछे सही कट रहा है, ओ इधर को, ओ भाई ठोक मत, बस, चलो भाई काटो, कोई नहीं आ रहा इधर, कोई नहीं आ रहा, चलो निकालो जल्दी, कोई नहीं है, ओके ट्रेलर को निकालते हैं, एक मिनट भाई, ओह खोपड़ी भाई, मेरा खोपड़ी वाला सराहना कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके, ये देखो मैंने खोपड़ी लगा रखी पीछे, घास भूसी, ओह पहुँच ही गए यार, बातों में इशारा हो गया, जीने बनने का सहारा हो गया, क्या था गाना मैं भूल ही गया, चलो बाद में याद करेंगे, चलो ब्राउन गड्डी, ओ खिंच दे भाई, हो गई लाइट, वो सीधे जा रहा है, हमारा सीधा जाना मना है, मोड़ दे यार, लो भाई काट देंगे यार, क्या अच्छी जगह आई है यार, अच्छा मैं यहाँ पे पहले आया हूँ मैं यहाँ पे यार, एक सेकंड मैं कहाँ पर आ गया, यहाँ पे मेरा गैराज भी तो था, मैंने गैराज ख़रीदा तो था यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर कंपनी है ये नॉर्थ फूड आइका BHV भाई, नई कंपनी आई है BHV, ये भी नई कंपनी आई है, पहले नहीं होती थी अब आई है, चलो ये नई कंपनी आई है अब दो चार, तो इसमें छोड़ना भाई सामान, लो भाई हाथी आ गया, क्या करना है इसको, इसमें ऐसा भी होना चाहिए था कि हाथी की मूर्ति को भाई चौराहे पे लगा के आओ, फिर हम जाते हैं चौराहे पे लगाते हैं इसको, लेकिन इसमें नहीं है, ये कौन सी है भाई, ये है ट्रैकर ट्रांस कंपनी आई है, एंटर मार देंगे भाई, 190 XP लगा देंगे भाई इसको, कहाँ पे, ओह भाई पीछे लगाना है इसको, बैक साइड में लेके जाना, तो देखो गेम के अंदर काफ़ी कुछ ऐड हो चुका है, देखो साइड में तो सामान पड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का सामान रखा है, और यहाँ पर कोई छोटा मोटा ऑफिस बनने वाला है, चलो बनाओ जल्दी, और सामने खड़ी है मारुति एस्टीम, ओ भाई यार ये देखो कहाँ पे लगाना है भाई, ये तो लगाना बहुत ही मुश्किल है भाई, यहाँ कैसे लगेगा, ये यहाँ पर नहीं लगेगा यार, देख मैं कोशिश करते हैं, ओ यार लाइटें तो बंद कर ले भाई, कोने में लेके जाना पड़ेगा इसको, देखता हूँ भाई पीछे करके, एक मिनट कितना लंबा है यार ये, ओ देख भाई उधर से लाना पड़ेगा तब लगेगा ये, हाँ ये बहुत मुश्किल है भाई यहाँ से लगाना, बस, अबे उसके नीचे घुसा दिया ये भाई, उधर से लाना पड़ेगा तब जा, ओ रुक लग गया, ओ बस ठीक है, हाँ तो भाई लो इतने में हो गया काम, ये ट्रेलर में दिक्कत है, ट्रेलर मतलब जब मैं इसको घुमाता हूँ ट्रेलर के पहिए मतलब साथ में नहीं घूमते, सीधे चलते हैं, तो ये दिक्कत है, चलो मैं इसको काटूंगा ऊपर से ऐसे, क्योंकि भाई वहाँ पे जगह नहीं देखने की,
चल चल चल, करते करते सीधा 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 सीधा, बस 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 बस, रुक जा। ट्रेलर देखो यार, क्या लाल लाल चमक रहा है। चल चल आगे, चल आगे, चल भाई, ज्यादा ही काट दिया। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, पहले उसको उधर को ले जाना पड़ेगा। चल आ जा। हाँ थोड़ा सा पहले ज़्यादा काट दूंगा, फिर अब सही है। अब सीधा कर देता हूँ इसको। बस 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 बस, अरे यार आ तो गया था। बस ठीक है, जब आ जाए ना तो बस टी का बटन दबा दो, काम खत्म करो। इतना मत सोचो, सीधा टेढ़ा, बस उसके ऊपर ग्रीन होना चाहिए। लो भाई अपना हाथी पहुंच गया बिल्कुल सही। अब क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये वो जो ये माल पहुंचा क्यों नहीं। अच्छा ट्रेलर लग गया, अच्छा टी का बटन दबाना था। अच्छा अच्छा यार, ये नई चीज आई है इस ट्रेलर के साथ। एक सेकंड यार, ये टी का बटन दबाओ। अच्छा भाई अभी दबाते हैं, लो एक रुक, बस बस बस, एंटर। यार हो तो गई, पता नहीं भाई क्या कह रहा है ये। ये तो ट्रक, ये नई चीज देखी पहली बार कि ट्रक डिटैच हो गया, पहले वैसे तो होता नहीं है। अच्छा अभी तक यानी कि वो लगा नहीं है सही तरह भाई, उसको लगाना पड़ेगा, उसको सही तरह लगा नहीं है, उसको लगाना पड़ेगा। बस बस बस, चलो देखते हैं, क्योंकि जॉब फिनिश नहीं हुई ना हमारी। जॉब फिनिश होगी तभी तो हमें ट्रेलर वापस मिलेगा भाई। इसको आराम से ले चलते हैं बिल्कुल सीधा सीधा, काट दे काट दे काट दे, ले ले ले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भाई ये चक्कर था, एक मिनट। ओके अबे यार, ई का बटन दबा लो, इंजन ऑफ हो गया। अब हुआ काम सही। ये आज पहली बार जब से मैंने गेम खेली है ट्रेलर डिटैच पहली बार हुआ है भाई, पहले वैसे तो नहीं होता, मतलब साथ में लग जाता है। लो भाई हाथी की स्टैचू, ममूट, ममूट इसको ममूट बोलते हैं, ममूट बोलते हैं, आप देख लेना गूगल पे सर्च करके क्या बोलते हैं। तो हाथी की मूर्ति हमने डिलीवर कर दी हैनोवर से ओडेंस, ओडेंस में मैं आया हूँ पहली बैच। तो हमें आज मिले हैं, कहाँ पर गए भाई, भाई 9591 यूरो भाई, अपनी तो आज मौज हो गई। लो भाई काम कर दिया हमने ख़त्म। तो ये था भाई ऐसे, और ट्रेलर ब्राउज़र में देख लेना आप जाके, ट्रेलर ब्राउज़र में आप जाके ट्रेलर का उसके ऊपर क्या क्या माल आएगा वो चेक कर सकते हो। अगर वो नहीं आता तो गेम के आप पास यहाँ पर एक नीचे एक बटन आता है अबाउट, उस अबाउट के अंदर भी ये ट्रेलर ब्राउज़र का बटन होता है। अब तो वो ये यहाँ पर इन्होंने दे दिया, लेकिन उसके अंदर वहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का गेम प्ले, मैंने आपको बता दिया आज व्हीकल ब्राउज़र ट्रेलर ब्राउज़र के बारे में, और आज हमने हाथी भी छोड़ दिया। चलो हाथी मेरे साथ ही पहुँच गए सही तरह। तो कैसा लगा आज का गेम प्ले, कमेंट लाइक करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ भाई, जो नया आया है सब्सक्राइब कर देना जरूर, और बेल आइकन भी दबा देना अगर आप मेरे चैनल को, मेरे गेम प्ले को पसंद करते हैं, तो जरूर दबाना यार सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन भी दबा देना। ओके फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाएं पिए स्वस्थ रहें, और भाई एकदम मस्त रहें। ओके दोस्तों, बाय बाय।